तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी को कहीं जाना है, तो मम्मी बहुत जल्दी जल्दी बर्तन लगा रही है। आराम से आराम से आराम से। लगता है मम्मी बूस्टर लगा के आई हाथों में। अरे आराम से। अरे अरे गिरा जा रहे हैं बर्तन, गिर जा रहे सारे बर्तन। पानी वानी चला जा रहा है तो मम्मी ने सारे गीले बर्तन लगा दिए, पोछे भी नहीं। मम्मी को इतनी जल्दी है। आराम से आराम से आराम से। जल्दी जल्दी क्लीनिंग भी हो रही। तो मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट, उसके बाद बनाया मैंने लंच, और अब दिख रही हूँ मैं किचन को क्लीन। तो सबसे पहले मैं गैस साफ करूँगी, उसके बाद मैं बर्तनों की सफाई शुरू करूँगी, क्योंकि आज कहीं जाना है तो बच चुका है एक। आज का सर्दियों में टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो काम चाहे जितना भी जल्दी निकलो फिर भी लेट हो ही जाता है, क्योंकि सर्दियों में लगता है कि थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, और काम डिले होता चला जाता है। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा जल्दी है कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, जल्दी जल्दी मैं तैयार हूँ। तो आज आप मेरे काम करने की स्पीड को देख रहे हैं। तो मम्मी जल्दी जल्दी बर्तन भी धो रही हैं, बहुत जल्दी है मम्मी का। पापा जा रहे हैं दूध खौलाने। सब हो गया दूध खुलाने का, तो जाके प्रेस कर रहा है, तो दूध मैं खुला रही हूँ और एक तरफ बना रही हूँ चाय, और बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, सारा किचन क्लीन हो गया है, और बस। तो चलिए बना लेते हैं चाय, क्योंकि ठंड का मौसम है और पानी का काम किया, तो फटाफट चाय पी के बस तैयार होने जाऊँगी मैं। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। अच्छा आप उसके सामने ही बोलोगे ना, वो गेट पे खड़ा हुआ है। अच्छा जानबूझ के बोल रहे हो। देखिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये है कानपुर का मोती झील एरिया, यहीं पर वो प्रोग्राम होना था जहाँ पे हमको बुलाया गया था, और हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, पर जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग आए वो प्रोग्राम ये नहीं है। यहाँ पर सिंधी पंजाबियों का प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ पर लंगर व्यवस्था भी है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। संडे का दिन है तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पर लंगर चल रहा है और कीर्तन वगैरह भी हो रहा है। बट हम जिस प्रोग्राम में आए वो प्रोग्राम हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसने हमको मिलाया था वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ किए है और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। हम लोग काफ़ी देर उधर भटकते रहे, और कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, और इस चक्कर से मैं आज सुबह इतनी जल्दी ले तैयार हुई, कुछ भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाई कि मैं क्या पहन के आई हूँ क्या नहीं पहन के आई हूँ, कुछ भी नहीं। और यहाँ भी जब से आए तब से परेशान ही हो रहे हैं, काफ़ी देर से कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं। तो जब काफ़ी देर से नहीं ढूंढने के बाद हताश हो गए, तो सोचा कि चलो चलते हैं, अब यहाँ पर कुछ नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया और किसी ने हमारे साथ मजाक कर दिया जिसमें हम सब आ गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी जिसने भी ऐसा किया है, बट ये है कि अब हम आगे से इस चीज़ पर लड़ रहेंगे कि कोई अगर इस तरह का काम करता है तो पहले से पूरी इंक्वायरी और जानकारी कर ले। तो मेरे हस्बैंड भी देखिए उस शख्स को ढूंढते हुए आ गए हैं, और अंत में जब कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। और मैंने जो है अपने सिस्टर को भी बुला लिया था, तो मैंने सिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है और आने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड दोबारा फिर ढूंढ के आ गया, और वो कह रहा है कुछ ही नहीं है चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और हम लोग निकल पड़े हैं। तो सिस्टर ने कहा कि आ जाओ मम्मी के यहाँ, क्योंकि वो मम्मी के यहाँ पर ही है। तो हम लोग चले जा रहे हैं अब मम्मी के यहाँ। तो यहाँ तो कुछ भी मिला नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सामूहिक कार्यक्रम होने वाला था जिसमें हम लोग आए थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जिसने भी ऐसा किया वो अच्छा नहीं किया। चलिए अब जो हो गया सो हो गया, हमें शायद आज सड़कों की खाक ही छाननी थी, तो वो हम सब छानने के लिए आ गए हैं और अब हम चल रहे हैं। मुसलमान कह रहा है कौन है हमारे पास? कौन मोदी।
घर में मेहमान आए, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी मम्मा है। चाय नाश्ता चल रहा, सर्दी का टाइम है, चाय नाश्ता हो रहा है। हर आदमी तरक्की जाए। तो तैयारी हो रही है डिनर की, और डिनर में बनने जा रहा है सब्जी रसीली। अरे छोटे बेबी आ गया, हाँ छोटू छोटू आ गए, हाँ छोटू आ गए, छोटू आ गए। कितना शांत है तेरे। तो मम्मा ये दीदी आएंगे, और आज जहाँ गए थे बहुत बड़ा पोपट हो गया, जिन्हें हम लोगों के साथ जैसे लग रहा मजाक किया था। चलो भाई, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या मजाक मेरे साथ किया गया है। तो बेकार हुआ, सुबह से इतना जल्दी जल्दी करके गए थे और कुछ भी काम नहीं हुआ, बस और कभी खाक छाप के आ गए। जैसे मम्मा क्या गए थे, तो पोपट हमारा हो चुका है कुल मिला के, ये समझिए। हमसे बोला गया था कुछ वहाँ पे प्रोग्राम है तो वहाँ पे आना, तो मैंने अपने साथ साथ सिस्टर को भी इन्वाइट कर दिया, सिस्टर बाहर से आ गई, मम्मा को भी इन्वाइट कर दिया मैंने, मम्मा भी आ गई। बाद में पता चला कि हमारे संग कुछ ये हुआ है, बस सबको भी खाक छान के हम लोग चले आए हैं। तो वापसी जब मैं आई तो मम्मा के घर चली गई, वहाँ से मम्मी और सिस्टर को भी ले आई, तो वो लोग भी आ जाए। तो आज नाइट यहाँ स्टे करेंगे, तो अभी सब उस रूम में बैठे हुए और छोटे छोटे जो क्यूटी क्यूटी हमारे घर में हैं हम सबको खिला रहे हैं। और चाय नाश्ता तो हो ही चुका, अब मैं देखा अब मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। तो देखिए अब आगे क्या क्या सूट होता है मुझे भी नहीं पता। तो चलिए फिर आज थोड़ी देर बाद मिलेंगे। भैया ये स्वेटर बनाया जा रहा, किसका? कान्हा जी का। हाँ ये कान्हा जी की हरियाणा में है, कान्हा जी की ड्रेस बनाना देख रहे हैं। वो मम्मी देख रही है ड्रेस बनाना मोबाइल में, और इनको आ रहा तो ये बना रही हैं। ये क्या कैप है क्या है ये? नहीं, भगवान जी की ड्रेस कोटी बन रही है। कोटी यानी स्वेटर। पहले 12 की तो चेन बनाई थी, फिर 24 हुए, 24 होने के बाद उसमें जो है 12 का तो डबल हो ही जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 24 का भी फिर वही बात पे चले जाते। नहीं तो एक एक छोड़, ये देखो गलत हो गया तुम्हारा। मैंने कहा यहाँ पे चल रहा है बुनाई का कार्यक्रम, तो क्रोशिया से बनना है कान्हा जी की ड्रेस। नानी आप क्या देख रही हो कैसे बनाना है? ड्रेस एक ये बनी है, और एक अभी जो हम लोगों ने देखी थी वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। दूसरी तैयार हो गई। सभी के सोने का टाइम हो गया, तो सब लोग बिस्तर में आ गए हैं, और मेरा छोटा बेटा तो पहले ही सो गया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे।